शुरू हो गया। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका की नदियां और उनके पहाड़ और पठार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में दिया है, आपके पेट के सिलेबस में दिया है और आने वाले एग्जाम में विश्व के भूगोल में नदियां, पठार, पर्वत इत्यादि पूछे जाते हैं, तो ये जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं यूएसए के पहाड़, यानी उत्तरी अमेरिका जो कंटिनेंट है उसमें जो पहाड़ हैं उनके बारे में आज हम प्रारंभ करते हैं, पहाड़ के बारे में, ठीक है। पहाड़ या पर्वत बोल सकते हैं, पर्वत। तो जो है पहाड़, उत्तरी अमेरिका के पहाड़, तो आप याद रखिए कि उत्तरी अमेरिका में जो पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है जिसका नाम है, यानी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है क्या, एंडीज, ओ सॉरी, रॉकी पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में है, यानी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। जैसे मान लीजिए ये आपका कुछ ऐसे करके है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, तो ये यहां से यहां तक पूरी तरह से फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। ये रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, ठीक, यानी ये जो है आपका जो ऐसे फैला हुआ है यहाँ पे, ये रॉकी पर्वत है जो कि एक युवावलित पर्वत है, युवावलित पर्वत। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रॉकी पर्वत कैसा है, तो युवावलित पर्वत है ये, युवावलित पर्वत, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पर्वत श्रृंखला में रॉकी पर्वत श्रृंखला है जो कि एक युवा वलित पर्वत है, यानी इसकी उम्र जो है कम है, यानी युवा है ये, ठीक है। और आप जो है यह भी ध्यान रखें कि यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और यह उत्तर में अलास्का से लेकर, आप जो है लिखते रहिए, हम बताते हैं कि रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तर में अलास्का से लेकर, अलास्का एक प्रांत है, तो अलास्का से लेकर ठीक है, उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में पनामा तक फैली हुई, दक्षिण में पनामा तक फैली हुई, पनामा तक फैली हुई, दक्षिण में पनामा तक फैली हुई, उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में पनामा तक फैली हुई है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। फिर उसके बाद रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले, ठीक है, मैकिनले, या इसे माउंट देनाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देनाली। ये कहां है? माउंट मैकिनले या माउंट देनाली कहां स्थित है? यह स्थित है
यूएसए के अलास्का प्रांत में, कहां पर है? अलास्का प्रांत में, यूएसए के अलास्का प्रांत में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी ऊंचाई है 6,194 मीटर, 6,194 मीटर है। यह उत्तरी अमेरिका और यूएसए की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्या नाम है? जिसका क्या नाम है? माउंट मैकिनले, या नया नाम इसका परिवर्तित कर दिया गया है, माउंट देनाली। तो आप इस बात को याद रखिए कि माउंट मैकिनले और माउंट देनाली एक ही पर्वत का नाम है जो यूएसए के अलास्का प्रांत में है, और ऊंचाई इसकी 6,194 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 6,194 मीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप इसे याद रखिएगा, माउंट मैकिनले, ठीक, माउंट मैकिनले, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी जो पर्वत चोटी है रॉकी पर्वत श्रृंखला की, वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट, इसकी ऊंचाई है 4,399 मीटर। यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी दूसरी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। माउंट देनाली या माउंट मैकिनले सबसे पहली ऊंची चोटी है, और दूसरी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। 4,399 मीटर ऊंची है, 4,399 मीटर ऊंची है। नमस्ते विनय भैया, नमस्ते, ठीक है। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये है माउंट एल्बर्ट, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी। और यह कहाँ स्थित है? तो यूएसए के कोलोरेडो प्रांत में है, यूएसए के कोलोरेडो प्रांत में है, यूएसए के कोलोरेडो प्रांत में, ठीक है। आपको बता दें कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 राज्यों से मिलकर बनाया गया है, जिसमें जो है 48 राज्य एक स्थान पर संगठित रूप से हैं, और एक द्वीपीय राज्य है जिसका नाम है होनोलुलु। क्या नाम है? होनोलुलु। ये हवाई प्रांत पर, मतलब हवाई द्वीप पर है, ठीक है। होनोलुलु हवाई द्वीप पर है, या हवाई प्रांत भी बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। और एक है अलास्का, अलास्का, ठीक है। इस पर भी यूएसए का ही अधिकार है, और यह सबसे उत्तर में स्थित है, यानी कनाडा से भी उत्तर में स्थित है अलास्का, ठीक है। अलास्का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक जो है जागृत ज्वालामुखी है, यानी यहाँ पर हमेशा धुआं छाया रहता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हमेशा जो है धुआं निकलते रहते हैं, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी। तो ये आपके आपका दूसरा हो गया माउंट एल्बर्ट। पहला कौन सा है? पहला है आपका माउंट देनाली या माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है, और दूसरा है माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 4,399 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी है, तीसरी सर्वोच्च चोटी, यानी तीसरी पर्वत जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, वह है कनाडा में माउंट लोगन। माउंट लोगन याद रखिएगा,
कि जो आपने अभी माउंट एल्बर्ट देखा है वह यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ना कि उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट की, महाद्वीप की, ठीक है। वह यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी कौन सी है, माउंट देनाली, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है वह माउंट लोगन है। तो ये आपको अंतर समझना होगा कि यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट एल्बर्ट, जबकि माउंट लोगन जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 6050 मीटर, 6050 मीटर, ठीक है। यह कनाडा में स्थित है, यानी यह कनाडा की सर्वोच्च चोटी है, कनाडा की सर्वोच्च चोटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये कंट्राडिक्शन कैसे चल रहा है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च चोटी की बात होती है, ठीक है, तो किसका नाम आएगा, माउंट देनाली या माउंट मैकिनले, जो यूएसए के अलास्का प्रांत में है, और यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, जो कि कोलोराडो प्रांत में है, और किस में है, यूएसए के कोलोराडो प्रांत में है, जबकि पूरे महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है, और यह कनाडा की सबसे ऊंची चोटी। तो कनाडा के बारे में अगर पूछा जाएगा कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट लोगन, और यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट माउंट एल्बर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप एक बार चैनल को जो है उसमें शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं इसमें। फिर उसके बाद चौथा है, ठीक है, चौथा तो माउंट रेनियर है। चौथी जो वहां की ऊंची चोटी है वह है माउंट रेनियर, या चौथी ऊंची चोटी माउंट रेनियर है, जो कि 4392 मीटर ऊंचा है, 4392 मीटर ऊंचा है, ठीक है, माउंट रेनियर। और इसकी ढाल जो है सबसे तीव्र है, ढाल सबसे तीव्र है, सबसे तीव्र है, ठीक है, सबसे तीव्र है माउंट रेनियर, ये इसकी ढाल सबसे तीव्र है। और पांचवी सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट हिटनी, माउंट विटनी, हा में नीचे वा रहेगा टनी, माउंट हिटनी, ठीक है, माउंट हिटनी, जिसकी ऊंचाई है 4118 मीटर, ये विवादित भी है, ठीक है, 4118 मीटर है कि 318 मीटर है, ये विवादित है, ठीक, क्योंकि ये ऐसी पर्वत चोटी है जिसका आंकड़ा जो है शुद्ध रूप से मिल नहीं पाया है अभी, ठीक है, ये विवादित है। तो ये इसकी ढाल बहुत तीव्र है, यानी जो माउंट रेनियर है इससे कम तीव्र है, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब वातावरण अनुकूल नहीं है इस पर चढ़ाई करने के लिए, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है जो है सियरा माद्रे, अगली एक और ऊंची चोटी है जिसका नाम है सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, ठीक है, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, इसकी ऊंचाई जो है अभी नहीं पता है इसकी ऊंचाई कितनी है। गुड इवनिंग। तो आप जो है ऐसे पूछा जाएगा सियरा माद्रे किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है, तो आपको बताना है यूएसए में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। माउंट विटनी कहाँ है, यूएसए में। इसकी ऊंचाई नहीं पूछी जाती, ऊंचाई आपको माउंट लोगन, माउंट देनाली
और जो माउंट एल्बर्ट आपने पढ़ा है इसी की ऊंचाई जो है पूछी जाती है, इन सब की ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। बाकी जो भारत की पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो या ये उत्तरी अमेरिका के पर्वत हो गए, ये उत्तरी अमेरिका के पर्वत हो गए, इनको याद रखना है, और नहीं याद रखेंगे तो जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, और ज्यादातर सबसे ऊंचा पर्वत ही पूछा जाता है, ठीक है, और देश से संबंधित। तो अगर यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यूएसए में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो यूएसए में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट देनाली है या माउंट मैकिनले है, और यूएसए में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्बर्ट, और कनाडा में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कनाडा में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट लोगन है, और कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट लोगन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पठार पे, पहाड़ हो गया, पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया और ऊंची चोटियों के बारे में भी जान लिया। अब आपके आगे आते हैं पठार, ठीक है। उत्तर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पठार भी स्थित हैं, और कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, उनका नाम क्या क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो पर्वत है, यानी जो आप देखते हैं उत्तर से दक्षिण जो पर्वत श्रृंखला आई है, ठीक है, ये दो, मतलब दो श्रेणी में विभाजित है। एक है कास्केड रेंज बोलते हैं इसको, या तटीय रेंज बोलते हैं, कास्केड रेंज, ठीक है, कास्केड रेंज, और एक तरफ बोलते हैं दूसरा इसको ओरिएंटल बोलते हैं, ओरिएंटल मतलब पूर्वी हिस्सा, ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल। इसके मध्य में कई जगह समतल लेकिन बहुत ऊंची भूमि पाई जाती है, जहां जो है जो समतल ऊंची भूमि है, ठीक है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वह ऊंचा तो है लेकिन यह सपाट है। और हम पठार के बारे में जानते हैं कि यह जमीन से ऊंचा पर परंतु पर्वतों से निम्न होता है, नीचा होता है, और इसका शीर्ष बिंदु यानी ऊपर का हिस्सा एक टेबल के आकार का मेज जैसा होता है, यानी ये जो है एकदम सपाट जैसा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कास्केड रेंज और ओरिएंटल में दो में विभाजित है ये जो रॉकीज पर्वत है, ठीक है, रॉकीज पर्वत दो में विभाजित है। तो इसमें जो पहला है पठार में यूकॉन का पठार, क्या नाम है इसका, यूकॉन का पठार, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, यूकॉन का पठार, यूकॉन का पठार, ठीक है। ये रॉकी पर्वत यानी जो पूर्वी हिस्सा है और जो तटीय श्रेणी है उसके मध्य में स्थित है, यानी रॉकीज और तटीय मध्य और तटीय पर्वत श्रेणी के मध्य और तटीय पर्वत श्रेणी के मध्य। हमने जो आपको अभी एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, दो हिस्से बनाए थे रॉकीज पर्वत के, तो जितने भी पठार हैं मुख्य रूप से वो इन्हीं के मध्य पाए जाते हैं। तो जो रॉकीज है वह ओरिएंटल को दर्शाता है, और जो प्रशांत महासागर यानी पश्चिम की तरफ है वो तटीय पर्वत श्रेणी है। तो इसके मध्य कौन सा है, ठीक है, दूसरा है ब्रिटिश कोलंबिया, ये पूछा जाता है कई बार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ठीक। तो यह भी जो है पूर्व में रॉकी पर्वत और पश्चिम में तटीय श्रेणी या कास्केड श्रेणी के मध्य है, ठीक है, तो रॉकी और तटीय श्रेणी के मध्य आप लिख सकते हैं, रॉकी और तटीय श्रेणी के स्थित है, क्या स्थित है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार के मध्य। जितने मुख्य पठार हैं वो इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है। आपको कोलंबिया से नाम याद होगा, कोलंबिया, ठीक
यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी, अमेरिका पहुंचने के रास्ते की खोज करी थी कोलंबस ने, ठीक है, और इसी के नाम पर एक राज्य भी वहां पे पड़ा, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया राज्य, और एक ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है। दक्षिण अमेरिका में यानी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें एक कोलंबिया देश है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के अंतर्गत एक कोलंबिया राज्य है, और उसी कोलंबिया राज्य के अंतर्गत कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, यानी वो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य ही है, ठीक है, इसी के नाम पर ब्रिटिश कोलंबिया का पठार पड़ा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रेट बेसिन। क्या है? ग्रेट बेसिन, या भी पठारी हिस्सा है, ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन, ठीक। तो यह सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है, यह सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है, सबसे बड़ा यानी सबके सब अंतर पर्वतीय, यानी पर्वतों के मध्य स्थित जो होते हैं उनको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो यह सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। तो एक नदी गुजरती है जो मतलब जो ग्रेट बेसिन पठार है, ठीक है, इसके क्षेत्र से एक नदी गुजरती है जो काट कर, यानी इस स्थल स्वरूप को काट कर नदी जो है वहां समुद्र तक पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन नदियां समुद्र में पहुंच नहीं पाती और अंतःस्थलीय रूप से प्रवाहित होती हैं, यानी इस पठार के अंदर अंदर जो है प्रवाहित होती हैं, ठीक है। इसकी यह विशेषता है कि ग्रेट बेसिन की क्षेत्र की नदियां जो हैं वह सीधे तौर पर इस पठार को पूरी तरह से काट कर समुद्र कर पाती, वह अंदर पठार के अंदर से प्रवाहित होती हैं और समुद्र गिरती हैं, ठीक है। तो ये इसका है उदाहरण है और इसकी विशेषता। अगला है मृत घाटी, मृत घाटी, मृत एक पठार ही है, मृत घाटी, ठीक है। तो यह कैलिफोर्निया के बेसिन में स्थित है, कैलिफोर्निया के बेसिन में स्थित, कैलिफोर्निया के बेसिन में स्थित है, ठीक है। यह एक पठार भी है, पठार ही है, लेकिन यह जो है घाटी की तरह, यानी दो पर्वतों के मध्य ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, ये घाटी है लेकिन पठार है, ठीक है, इसको मृत घाटी बोलते हैं, मृत घाटी बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आगे है कोलोरेडो का पठार, पांचवा है कोलोरेडो का पठार, पांचवा है कोलो रेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार, ठीक है। कोलोरेडो का पठार यह सियरा निवादा और राकीज के मध्य स्थित है, ठीक है, सियरा निवादा और रॉकीज के मध्य, के मध्य, सियरा निवादा और रॉकीज के मध्य है कोलोरेडो का पठार, ठीक है, कोलोरेडो का पठार, और यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कोलोरेडो, ठीक है, उसी नदी के नाम पर जो है यह पठार रखा गया, ठीक है। और इसने जो है जो कोलोरेडो नदी है इसने बहुत बड़े कैनियन का निर्माण किया है, तो इसका नाम है ग्रेट कैनियन, ग्रेट कैनियन, कैनियन, ठीक है। कैनियन बोलते हैं वह क्षेत्र यानी ऐसी घाटी जिसका जो जिसका एक हिस्सा होता है यानी एक एज होता है, ठीक है, वह बहुत खड़ा हो। जैसे मान लीजिए यह पठार है और इस क्षेत्र से जो है ऐसे ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी ने इस पठार को काटा है पूरी गहराई से और एकदम खड़ी ढाल वाली, ठीक
दीवार बना दी है, पठार को काट कर जो है एकदम खड़ी ढाल वाली दीवार बना दी है, और इसी को क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन, एकदम खड़ी ढाल। तो ग्रेट कैनियन कोलोराडो के पठार में है, आप ऐसा जो है याद करेंगे, ऐसा लिख लीजिए। यानी कोलोराडो एक नदी है जो ग्रेट कैनियन ये कोलोराडो के पठार से होकर जाती है, और कोलोराडो पठार को काट कर एक कैनियन का निर्माण करती है, यानी सबसे बड़े कैनियन या सबसे बड़े महाखड्ड का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ग्रेट कैनियन। ठीक है, ग्रेट कैनियन नाम दिया गया, जो लगभग 1000 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? 1000 मीटर गहरा है। इस ग्रेट कैनियन की गहराई 1000 मीटर है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये ग्रेट कैनियन कहाँ स्थित है, मैक्सिको पठार के दक्षिण में है। मैक्सिको पठार के दक्षिण में है कोलोराडो का पठार, पठार के दक्षिण। आप याद रखिए, ऐसे पूछा जाएगा, इतना डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कोलोराडो का पठार कहाँ है, तो आप जो है लगाएंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित है कोलोराडो का पठार। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया पठार, पठार हो गया ये। आगे चलते हैं, तो ये जो है आपका पठार हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नदियों के बारे में, नदियां। ठीक है, नदियां, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये है अमेरिका, एक हिसाब से ऐसे मान लीजिए कि ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा है। ठीक है, इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर, यानी पूरब की तरफ अटलांटिक महासागर है, पश्चिम की तरफ है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर ये क्या है, मैक्सिकन गल्फ है या मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी, ठीक है, ये नीचे तक ऐसे गया है, और यहीं पर एक हिस्सा है जो ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो गया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक, तो नदियां जो होंगी वो इसी रॉकीज पर्वत से निकलेंगी, यही जो रॉकी पर्वत है यहीं से निकलेंगी, और कुछ यहाँ एक और है पर्वत, ठीक है, जिसको पीडमोंट पर्वत बोलते हैं, कुछ नदियां यहाँ से। ठीक, और यहीं पर हमने कल बताया था कि यहीं पर जो है 5 लेक्स हैं, 5 लेक्स यानी 5 झील हैं, कुछ नदियां यहां से निकलेंगी। ठीक है, कुछ पर्वतों से निकलेंगी, कुछ यहां से निकलेंगी इन झीलों से। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तरी अमेरिका में 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं, यानी यूएसए में 5 जो है बड़ी झीलें, ठीक है, मीठे पानी की झीलें हैं सबके सब। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां और अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, दो को यानी इन नदियों को दो कैटेगरी में रखा गया है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे कि अटलांटिक महासागरीय अपवाह या अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, नदियों के बारे में सबसे पहले लिखना है अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। ठीक, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, पहला पॉइंट। नाम क्या है उस नदी का? मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी।
मिसिसिपी नदी, ठीक है, मिसिसिपी नदी, ठीक है। तो लिखिए, यह नदी सुपीरियर झील से, या यह नदी सुपीरियर झील के, सुपीरियर झील झील के पश्चिमी तट से, ठीक है, मिनीसोटा राज्य के इटास्का झील से निकलती है, इटास्का झील से निकलती है, जो झील सुपीरियर झील के पश्चिम के तट के समीप है, ठीक है। मिली नहीं है दोनों झीलें, ठीक है, ये सुपीरियर झील अलग है और इटास्का झील अलग है, लेकिन दोनों अगल बगल ही है। ये बहुत बड़ी झील है और उसकी अपेक्षा ये काफी छोटी झील है, और इसी इटास्का झील से यह जो है कहाँ से निकलती है, मिनीसोटा राज्य के इटास्का झील से निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक, निकलती है। और मैक्सिको की खाड़ी में कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में, पक्षी के पंजा आकार डेल्टा बनाते हुए, पंजाकार डेल्टा बनाते हुए गिरती है, ठीक है। तो कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में, इसका जो मतलब जो डेल्टा का आकार है कैसे है, पक्षी के पंजा आकार। तो पक्षी का पंजा कैसा होता है, पक्षी का पंजा ऐसे आएगा, तीन उंगलियां निकलेंगी, ठीक है, तीन उंगलियां निकलेंगी, तो ये पक्षी के पंजे के आकार। ये पूछा भी गया है कि किस नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा बनाती है, या पक्षी का आकार या पक्षी का पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो याद रखना है कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी, कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी, तो ये आपको याद रखना है। लिखिए आगे, लिखिए, यह 1000 किलोमीटर की लंबाई तक नौगम्य है, यह 1000 किलोमीटर की लंबाई तक नौगम्य है, यानी 1000 किलोमीटर की लंबाई तक इसमें जो है अंदर नाव के माध्यम से जाया जा सकता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई, तीन हजार सात सौ इक्यावन किलोमीटर है, 3751 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई 3751 किलोमीटर है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और यह नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है, 3751 किलोमीटर, ठीक है। और याद रखिए, यह नदी और भी लंबी हो जाती है, एक दूसरी लंबी नदी है जिसका नाम है मिसौरी, क्या नाम है, मिसौरी, तो दूसरी नदी लिखिए मिसौरी, दूसरी नदी मिसौरी, दूसरी नदी कौन सी है, मिसौरी, ठीक है, दूसरी नदी कौन सी है, मिसौरी। तो याद रखिए, दोनों नदियों का नाम एक साथ लिया जाता है, मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। तो लिखिए, यह
मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है? यह मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी। सहायक नदी यह मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 2360 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2360 किलोमीटर, ठीक है, 2360 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, यह आपको याद रखना है, मिसिसिपी और मिसौरी। फिर अगला लिखिए सेंट लुइस, तीसरी नदी है सेंट लुइस। सेंट लुइस लिखिए, यह मिसिसिपी और मिसौरी की सहायक नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी की सहायक नदी है। सहायक नदी है ठीक है। मिसिसिपी के साथ, मिसिसिपी और मिसौरी के साथ मिलकर मिसिसिपी और मिसौरी के साथ मिलकर साथ मिलकर यह विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी का निर्माण करती है। विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 6274 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई 6274 किलोमीटर है, ठीक है। हम लोग आएंगे कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, दूसरी सबसे, तीसरी सबसे, और चौथी तो आपको पता ही चल गया कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदियां हैं, यह विश्व की सबसे लंबी यानी चौथी लंबी नदियों का निर्माण ये इन दोनों नदियों और इसकी जो मुख्य सहायक नदी सेंट लुइस है उनके निर्माण से होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगली जो नदी है यहाँ की प्रमुख नदी, उसका नाम है रियो ग्रांडे। क्या नाम है उसका? रियो ग्रांडे। चौथी नदी रियो ग्रांडे, इसको ग्रांडे भी बोलते हैं, याद रखिएगा, नहीं तो ग्रांडे दा शब्द खोजिए और नहीं मिले, ठीक। तो लिखिए, यह यूएसए तथा मैक्सिको में प्रवाहित होती है। यह यूएसए तथा मैक्सिको में प्रवाहित होती मैक्सिको में प्रवाहित होती है। यूएसए तथा मैक्सिको में प्रवाहित होती है, ठीक है। यह कैंडी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? कैंडी पर्वत, यानी रॉकी पर्वत में ही एक पर्वत है जिसका नाम है कैंडी पर्वत, वहां से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में।
इसका उद्गम कहाँ होता है? कैंडी पर्वत में, और गिरती कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम स्थल यानी रियो ग्रांडे का उद्गम स्थल कहाँ है? कैंडी पर्वत है, और जो है इसका मुहाना कहाँ है या गिरती कहाँ है? तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। फिर अगली नदी है, पांचवी मुख्य नदी जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। पांचवी सेंट लॉरेंस नदी, है सेंट लॉरेंस नदी। लिखिए, इसका उद्गम स्थल ओंटेरियो झील है। कहां से निकलती है? ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील से निकलती है। ओंटेरियो झील से निकलती है और विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, आपको एक नया शब्द देखने को मिला होगा, ज्वार नद मुख। ठीक है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्वार और भाटा की क्रिया होती हो और पानी बहुत अंदर तक ज्वार के माध्यम से चला आता हो, तो उसी को क्या कहेंगे? ज्वार नद मुख। ठीक है, ज्वार नद मुख 24 घंटे में 2 बार यह क्रिया अवश्य होती है, ज्वार भाटा। ठीक है, तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे पूरे इतिहास, पूरे भूगोल के बारे में, पूरे भौगोलिक इतिहास के बारे में, तो हम जानेंगे कि ज्वार नद मुख या ज्वार भाटा की क्रिया कहाँ कहाँ होती है और कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो विश्व, आप हालांकि इतना याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख कौन सी नदी बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। तो ये जो है आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे एक और पॉइंट लिखवा चुके हैं लेकिन लिख लीजिएगा। कनाडा का जो, कनाडा की जो राजधानी है ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा इसी नदी के तट पर है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो आप याद रखिएगा ओटावा। ओटावा कहाँ स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है, तट पर स्थित है। ठीक, तो ये हो गया आपका, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है, ये हो गया आपका। फिर अगली जो नदी है हमारी, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, हडसन नदी। कौन सी नदी? हडसन, हडसन नदी। ठीक है, हडसन नदी लिखिए। इसका उद्गम स्थल मतलब यह यूएसए में बहती है, कनाडा में नहीं है, यूएसए में। तो लिखिए, इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल लेक टियर है, लेक टियर, लेक टियर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? लेक टियर। और जो लेक टियर है इसको पूरी तरह से क्या नाम देते हैं?
क्या नाम है इसका? लेक टियर ऑफ क्लाउड्स, ऑफ क्लाउड्स, इसका पूरा नाम है लेक टियर ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो लेक टियर भी याद रख सकते हैं, और इस लेक का, लेक मतलब झील हो गई, लेक मतलब क्या हो गई? झील। तो इस झील का पूरा नाम है लेक टियर ऑफ क्लाउड्स, यह भी याद रख सकते हैं, लेक टियर ऑफ क्लाउड्स। तो उद्गम स्थल कहाँ है? लेक टियर ऑफ क्लाउड्स यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर के न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के, न्यूयॉर्क खाड़ी में गिरती। ठीक है, न्यूयॉर्क खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो न्यूयॉर्क एक शहर है और उसी से सटा हुआ जो जलीय क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूयॉर्क खाड़ी। क्या नाम है उसका? न्यूयॉर्क खाड़ी। ठीक है, न्यूयॉर्क के समीप एक जलीय क्षेत्र है, ठीक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क खाड़ी है। ठीक है, फिर अगला लिखिए, अगली जो नदी है सातवीं नदी, उसका नाम है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। ठीक है, यह अपलेसियन पर्वत से निकलती है, यह अपलेसियन पर्वत से निकलती निकलती है, यह अपलेसियन पर्वत से निकलती है। और अटलांटिक महासागर में चेसा पीक की खाड़ी में गिरती है। अटलांटिक महासागर के चेसा पीक खाड़ी में गिरती महासागर के, कल बताए थे ना, चेसा पीक खाड़ी में गिरती गिरती। वाशिंगटन डीसी इसी चेसा पीक खाड़ी के तट पर ही स्थित है। कल हमने बताया था आपको, लिखवाया भी था, जो है वाशिंगटन डीसी इसी चेसा पीक खाड़ी यानी पर स्थित, ठीक, वाशिंगटन डीसी। तो ये जो है आपके नाम हो गए। तो जो अटलांटिक महासागर हैं ये इनके नाम है, और फिर प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी, इसकी जो दूसरी शाखा है वो है प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी शाखा, इन नदियों की दूसरी शाखा है प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो पहली नदी है यूकॉन नदी, यूकॉन नदी। पहली नदी कौन सी है? यूकॉन नदी। तो लिखिए, यह यूएसए के अलास्का प्रांत की प्रमुख नदी है। यूएसए के अलास्का प्रांत की प्रमुख नदी है, प्रांत की प्रमुख नदी है। जो ब्रिटिश को राज्य रॉकी हिमानी से, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के
रॉकी हिमानी से निकलती है, यानी यह निकलती है, रॉकी हिमानी से निकलती है। निकलती और बेरिंग सागर, बेरिंग सागर में गिरती, बेरिंग सागर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो वहां का जलीय क्षेत्र है उसको नॉर्टन साउंड खाड़ी बोलते हैं, नॉर्टन साउंड खाड़ी में गिरती है। तो यह भी कई बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना, याद रखना है कि कहाँ से निकलती है, यूएसए के अलास्का प्रांत की प्रमुख नदी यानी अलास्का में है, ब्रिटिश कोलंबिया के ठीक है, रॉकी हिमानी से निकलती है और कहाँ गिरती है, बेर ठीक, और जो इसका जो है सीमांत क्षेत्र है यानी पानी का सीमांत जलीय क्षेत्र है, नॉर्टन साउंड खाड़ी कहते हैं उसको, वहां में ही वहां पर ये गिरती है ठीक। फिर अगला है दूसरा, दूसरे शांत महासागर में गिरती है फ्रेजर नदी, नदी ठीक है, ब्रेकअप लीजिए कनाडा यानी क्या, कनाडा में ठीक, फ्रेजर नदी। तो यह जो है रॉकी पर्वत से निकलती है, और कनाडा के वैंकूवर शहर के समीप से होकर, कनाडा के वैंकूवर वैंकूवर शहर के समीप से होकर, समीप से होकर प्रशांत महासागर में गिरती, कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरती ठीक है, प्रशांत महासागर में गिरती ठीक। तो वैंकूवर शहर एक प्रमुख शहर है, कनाडा के दो मुख्य शहरों का नाम लिया जाता है जो कि सीधे सीधे रेलवे ट्रैक से जुड़े हैं ठीक है, कैनेडियन नेशनल रेलवे बोलते हैं या कैनेडियन पैसिफिक रेलवे बोलते हैं उसे ठीक है, जो वैंकूवर को और जो है अटलांटिक महासागर के तट पर एक जो है शहर है उसको, दोनों को जोड़ता है, प्रमुख शहर ठीक है। और वैंकूवर किस लिए, यह जो है हल्की लकड़ी या लकड़ी के उत्पाद बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी लकड़ी के सामान सबसे ज्यादा यूएसए के या उत्तरी अमेरिका के इसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं, वैंकूवर में ठीक है, आपको इसे याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद अन्य जो नदियां बची हैं ठीक है, अभी प्रशांत महासागर में एक दो नदी और बची है, और उसके बाद आर्कटिक क्षेत्र में भी कुछ नदियां गिरती हैं जाकर, इनके बारे में ठीक है, और जो घास के मैदान हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक दो फॉल्स भी हैं यानी जो जलप्रपात हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कहाँ पर स्थित हैं। तो आज के लिए इतना ही, और सभी अपने मित्रों को आप जो है बता सकते हैं कि हम लोगों ने अच्छी क्लास देखी ज्योग्राफी की ठीक है, तो धन्यवाद।